हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट थर्ड प्लांट्स सेक्शन ए ट्रेमेंडस ट्री सो इट इज फ्रॉम द बुक माय इंग्लिश गार्डन क्लास सिक्स ओके सो लेट्स स्टार्ट ट्रेमेंडस ट्री व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट ओके इन दिस स्टोरी द ट्री मेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट टू सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए

कि कोई भी दिल्ली रेसिडेंट जो भी दिल्ली के पीपल है वो आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही फैमिलियर थी और बहुत ही अनोइंगली मीन्स अनॉइंस करने वाली प्रॉब्लम इरिटेट करने वाली प्रॉब्लम थी ओके इट्स जस्ट द टाइमिंग ऑफ द होल थिंग विच लेफ्ट अ सम वट ये बिल्कुल एक समय की बात है एक टाइमिंग जस्ट द टाइमिंग ऑफ द होल थिंग ये पूरी चीज़ों की टाइमिंग की बात है जो हमें क्या करती है विच लेफ्ट अस जो हमें बिल्कुल भी क्या कर देती है कंफ्यूज कर देती है सो so, एक्चुअल में क्या था जो हमें कंफ्यूजन में डाल रहा था तो राइटर कहते हैं बट फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वाज बिफोर यू गेट टू कंफ्यूज टू कैरी ऑन विथ माई स्टोरी अब राइटर कह रहे हैं कि परंतु पहले मैं सबको ये बताने दे बता देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली exactly वो प्रॉब्लम क्या थी है ना इससे पहले कि आप स्टोरी के साथ कैरी ऑन करें और और भी कंफ्यूज होते जाएं उससे पहले मैं एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी वो बताता हूँ एक्चुअली वॉट हैड दैट द वाटर सप्लाई टू अवर कॉलोनी हैड बिकम नॉट मेरली इरेटिक बट स्टीडली एंड डिस्ट्रेंगल डिस्ट्रेसिंगली डिक्रीजिंग एक्चुअल में ये हुआ था जो हमारी कॉलोनी का वाटर सप्लाई था वो बिल्कुल भी नॉट मियरली इरेटिक इरेटिक मीन्स जो चीज रेगुलर नहीं हो रही है तो वो ना ही रेगुलर था परंतु साथ 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 ही साथ क्या होते जा रहा था ये जो डिस्ट्रे डिस्ट्रेसिंगली मतलब बिना स्ट्रेस के ही वो क्या होते जा रहा था और भी कम होते जा रहा था सप्लाई का धीरे धीरे सप्लाई वाटर सप्लाई और भी कम होते जा रहा था फॉर अ वाइल्ड पीपल मॉप्ड देयर हॉट एंड क्या होने लग गया था कुछ समय के लिए तो जो पीपल थे जो लोग थे उन्होंने मॉप्ड मीन पसीना पोछ लिया ओके लाइक दैट वाइप वाइप बोलते हैं हम तो दैट इज मॉप्ड लोगों ने अपना पसीना पोछ लिया था देर हॉट एंड बॉदर्ड ब्रोज जो उनकी हॉट और बॉर्डर्ड जो परेशान हुई भौहें थी जहाँ पर पूरा पसीना आ गया था हॉट एटमोसफियर ठीक है तो उसने उन लोगों ने उन्हें पोछ लिया साफ कर लिया और रिजाइंड कर लिया ना चाहते हुए भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को टू द स्कॉर्चिंग वाटरलेस डेज ये जो आपका स्कॉर्चिंग बहुत ही हॉट वाटरलेस वाटर के बिना ये जो डेज चलने वाले थे आगे आने वाले थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था लोगों ने

drooped with leaves yellowed at the edges like decaying forgotten photographs जो ट्रीज की ब्रांचेस थी वो ड्रूप्ड मीन फॉल डाउन हो गई थी गिर गई थी जो उनके किनारे हैं वो येलो होकर ड्राई हो जाती हैं जब ट्रीज तो उनके किनारे कैसे होते हैं येलो हो जाते हैं और गिर जाते हैं और किस तरीके से लाइक डिकेइंग फॉर गटन फोटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स जैसे कि कोई डिके मतलब जो खराब हो जाती और भूल जाती हैं जिस फोटोग्राफ्स को हम भूल जाते हैं ऐसी तस्वीरों की तरह ही वो ब्रांचेस भी जो थी ट्री की ब्रांचेस वो येलो होकर गिर गई थी सूखकर एक्सेप्ट आई मस्ट एड अ ग्लोरियस गुलमोहर विच ब्लेस्ड विच ब्लेस्ड इट्स बाउंटी ऑलमोस्ट ऑप्सिनली इन द ऑप्रेसिव हीट ठीक है सो लुक एट दिस सेंटेंस देयर आर मेनी हार्ड वर्ड्स एक्सेप्ट एक्सेप्टी उसके अलावा ठीक है सारी जो ट्रीज थे वो तो ड्राई हो गए थे बट एक्सेप्ट आई मस्ट एट मुझे बताना चाहिए ग्लोरियस गुलमोहर ट्री मतलब अभी भी वो क्या कर रहा था ग्लोरी प्रोवाइड कर रहा था अभी भी वो चमक रहा था ग्लोरियस गुलमोहर विच ब्लेस्ड विच ब्लेस्ड इट्स बाउंटी तो ब्लेस्ड मतलब होता है आपका कि एक्सप्रेशन ऑफ एंगर बिविल्डमेंट और फायर तो जो उसकी जो चमक थी जो आग की तरह उसकी चमक थी इट्स बाउंटी मीन्स बाउंटी मीन्स रिवार्ड ऑलमोस्ट ऑप्सिनली, ऑप्सिनली मीन्स टू अ डिग्री दैट मेक्स यू फील डिसलाइक। इन द ऑपरेसिव ऑपरेसिव मीन्स हॉट एंड ह्यूमिड ह्यूमिड हीट जो होती है ना बहुत ज़्यादा हीट ठीक है हॉट और जिसे हॉट में ह्यूमिडिटी आ जाती है लाइक like दैट सो so, केवल एक गुलमोहर ट्र ही ऐसा था जो कि अपनी जो चमक था वो अभी भी उसकी बरकरार थी और वो किस टाइप से बरकरार थी ऑप्सिनली मतलब जो ऐसा माहौल जिसको हम बिल्कुल डिसलाइक करते हैं इतना हॉट उसमें भी उसकी जो ब्राइटनेस थी वो बनी हुई थी इतने हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में भी ठीक है ना द रेड ग्लो ऑफ इट्स फ्लावर्स हर्ट द आइस विथ देयर इरेडिशंस जो उसके रेड ग्लो है ना जो उसके फ्लावर्स थे जो कि रेड कलर की चमक के साथ थे वो हमारी आँखों को आइस को क्या कर रहे थे हर्ट कर रहे थे विथ देयर इरेडिशंस इरेडिशंस और उनकी ब्राइटनेस से उनकी चमक से वो आँखों को क्या करते हैं हर्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जब रेड ब्राइट रेड होता है तो वो हमारी आँखों को चुभता है ना लाइक like दैट इन मीन टाइम हाउ एवर समर एवरी मीन टाइम में जो समर थी वो क्या की थी सभी को ही सुखा दी थी है ना सभी चीजें कैसी हो गई थी वाटर लेस हो गई थी लॉस ऑफ वाटर की वजह से प्लांट्स कैसे हो जाते हैं एकदम वो गिरने लग गए थे तो वो विल्टेड इट मींस विल्टेड हो गए थे ओके okay? सो so, समर हावे वर एल्स बाकी सारी चीजों को तो समर ने सुखा दिया था वाटर लेस कर दिया था बट ओनली गुलमोहर ट्री लेफ्ट बट ये गुलमोहर ट्री ही बचा हुआ था यस बर्ड्स पेंटेड बीक्स ओपन इन टू कैप्चर स्ट्रेट ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्टर जो बर्ड्स थी है ना वो क्या कर रही थी अपनी चोट से बीक्स ओपन इन अ वेन अटैम्प्टेन मीन्स अनसक्सेसफुल अब पानी तो नहीं था लेकिन बर्ड्स किस तरीके से अपनी खुली चोंच के साथ वेट कर रही थी अटैम्प्ट ऐसी कोशिश कर रही थी कि उन्हें कहीं से क्या मिल जाए पानी मिल जाए है ना और वो हर जगह वो हर पार्ट से जो प्लांट के जो सेपरेटेड पार्ट्स से होते हैं ना उसमें बर्ड्स बैठी हुई थी और वो चाह रही थी कि कहीं ना कहीं से उनको वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाए बट ये उनका कैसा अटेम्प्ट था वेन अटेम्ट. वेन मींस अनसक्सेसफुल कि वो कोशिश तो कर रही थी बट वो कोई सक्सेसफुल कोशिश नहीं थी क्योंकि उन्हें पानी तो मिल नहीं पाता स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट मींस मूव अवे सेपरेटेड ओके प्लांट्स का कोई जो भी ऐसे सेपरेट हो जाते हैं ना पार्ट्स तो जो कि मॉइस्चर स्ट्रेट ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर यस टार बंड थ्रू थ्रू रबर सोल्ड शूज एंड प्लिस्टर्ड फीट जो टार होता है, है ना आपने देखा होगा वो कैसा हो गया वो जला जल गया मीन्स थ्रू रबर शोल्ड शूज शूज मतलब जो रबर शूज के जो सोल होते हैं जो रबर के बने हुए होते हैं उसमें से टार जो गर्म टार होता है वो उसे उसकी गर्मी उसमें एंटर की और वो पैरों को क्या कर दी ब्लिस्टर्ड कर दी फीट को फीट मीन्स पैरों को कैसे ब्लिस्टर्ड की मीनिंग होता है जब गर्म होने के बाद जब वो आप देखे होंगे कि फफोले पड़ जाते हैं ना कि ऐसा स्पॉट या ऐसे कुछ बबल जिसमें लिक्विड भर जाता है तो इस टाइप से इसमें समर को डिस्क्राइब किया गया कि इतनी हीट थी टू टॉप इट ऑल अफकोर्स आवर वाटर सप्लाई वॉज ग्रेजुअली टर्निंग इन टू अ ट्रिकल इन सबसे भी ऊपर अफकोर्स जो हमारा बेशक जो हमारा वाटर सप्लाई था वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे किसमें टर्न हो रहे होते जा रहा था मियर ट्रिकल मियर मीन्स बिल्कुल एक ओनली केवल स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड ट्रिकल मीन्स एकदम बहुत ही कम कुछ भी अब वाटर फ्लो होना क्या हो गया था बंद हो गया था लाइक like दैट ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी ओके सो हियर इज द मीनिंग ऑफ इरेडिसेंस इरेडिसेंस ब्राइटनेस मींसिंग ब्राइटनेसमिंग टू चेंज कलर्स ओके एकदम ऐसी ब्राइटनेस जिसको देखने पर उसका क्या हो जाता है कलर भी चेंज होने लगता है ओके सो नेक्स्ट वन वी आर बॉर्न फैटलिस्ट एंड हैव लर्न टू बियर ऑल हार्डशिप्स स्टॉकली फेट yes. so Fatalist मीन्स जो अपने भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं तो ये बताया जा रहा है कि हम सब तो कैसे पैदा हुए जो बिल्कुल फैटलिस्ट है एंड हैव लर्न और ये सीख चुके हैं टू बियर ऑल हार्डशिप्स कि सारी जो हार्डशिप्स मतलब जितनी भी मुसीबतें होती है परेशानियां होती है ट्रबल्स होती है उनको बियर करना सहन करना ठीक है स्टॉइकली मीन्स बिना कंप्लेंट किए ठीक है ना बिना कम्प्लेन किए हमारे ये क्या हो गया हम लर्न कर चुके हैं और हम अपने आप को क्या मानते हैं कि यह हमें तो किस्मत से मिला है ठीक है और उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं तो वैसे ही उन्होंने प्रॉब्लम जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम थी उसे ही ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था द ऑपरेसिव हीट हैड इफेक्टिवली सेनी स्ट्रे श्रेड्स ऑफ रिबेलियन और एक्टिव प्रोटेस्ट सो so, जो ऑपरेसिव हीट थी ऑपरेसिव वेरी जो हॉट और ह्यूमिड हीट थी वो क्या कर ली थी सेव्ड अस सेव्ड अस मीन्स हमारा जो लिक्विड है ना दैट कैरीज फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऐसा लिक्विड जो पूरे प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है ठीक है तो सेव्ड अस ऑफ उसमें से क्या छीन लिया गया था एनी स्ट्रे शर्ट्स ऑफ रिबेलियन और एक्टिव प्रोटेस्ट स्ट्रे स्ट्रे उसे दूर कर दिया गया था ठीक है मूव अवे सेपरेटेड ठीक है अलग कर दिया गया था उसे दूर कर दिया गया था शर्ट्स मींस जो जो थिन पीस है उसको कट करके ऑफ रिबेलियन और एक्टिव प्रोटेस्ट जस्ट लाइक वो किस तरीके का हो जैसे रिबेलियन और एक्टिव प्रोटेस्ट हो प्रोटेस्ट में जो विरोध करने वाला हो रेबेलियन हो सो इस तरीके की ऑपरेसिव हीट थी जिसने जो भी प्लांट्स को जो भी फूड प्रोवाइड करते हैं वो सारे वाटर को दूर कर दी थी उस पर्टिकुलर पार्ट को अलग कर दी थी उसकी बॉडी से इस तरीके से वो रेबेलियन हीट थी सो वी आ वो ड्यूटीफुल्ली एट फोर ए एम टू प्लेस एमटी बकेट्स अंडर टैप्स एंड अर्ज द प्रीशियस लिक्विड ऑन नॉट अनलाइक बेटर एट द हॉर्स

इस तरीके से नहीं कि जैसे हॉर्स घोड़ों की तरह जैसे रेस चलती है और हम बैटिंग करते हैं ना बैटर्स में जो बैट लगाते हैं शर्त लगाते हैं उनकी तरह नहीं बट एकदम नॉर्मली कोई उनको हड़बड़ी नहीं थी बस वो चार बजे उठते थे अपनी बकेट्स को नल के नीचे रखते थे और वेट करते रहते थे कि पानी आएगा इट वॉज ओनली वैन पीपल गॉट अबाउट दैट वी स्टार्टेड हेयरिंग स्ट्रेंज र्यूमर्स दैट

शुरू किया स्ट्रेंज र्यूमर्स र्यूमर्स मीन्स अफवाह ठीक है दैट साउंडेड so सो अनरियल जो ऐसी थी बिल्कुल भी जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते टू आवर ईयर्स एंड रिसेंट एक्सपीरियंस दैट और रिसेंटली ये एक्सपीरियंस की दैट इट वॉज डिसाइडेड ये डिसाइड किया गया दैट समथिंग मस्ट बी डन कि कुछ किया जाना चाहिए सो इन शॉर्ट कि लोगों ने र्यूमर सुना कि इस तरीके से तो नहीं चल सकता अब क्या होना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए द सिटी मैनेजमेंट हैज़ डन वंडर्स दिस ईयर जो सिटी मैनेजमेंट थी उसने तो बहुत सारे अच्छे काम किए वंडर्स की है इस साल फ्यू पावर कट्स एंड नो वाटर शॉर्टेज बहुत ही कम पावर कट हुआ है मतलब इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और बहुत ही कम टाइम ही हमें वाटर की कमी हुई है मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि उनको इतना ज़्यादा फेस करना पड़ा था इस ईयर ठीक है क्योंकि सिटी मैनेजमेंट ने तो बहुत ही अच्छा काम किया था वाटर रिलीफ टू हैव इनफ वाटर इन दिस इन दिस हीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाटर रिलीफ टू हैव इनफ वाटर इन दिस हीट कि अगर इतनी गर्मी में अगर पानी मिल जाए तो क्या रिलीफ होगा वाह कितना हमारे लिए वो रिलैक्सिंग होगा this is the first year that our lawn hasn't burned up and died in this heat ye first year tha ki jo unka lawn tha hasn't burned up jo ki jal nahi paya tha and died in this heat aur abhi tak ki वो ख़त्म नहीं हुआ था अभी भी वो ठीक था है ना कि ये first time ऐसा हुआ था क्योंकि जो supply water supply management है या जो city management है उसने कुछ तो अच्छा काम किया था सो नेक्स्ट इज दैट्स स्ट्रेंज अब ये क्या है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज की बात है वी रेसिडेंट्स ऑफ सी ब्लॉक थॉट वी सर्टनली हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर तो ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है दैट्स स्ट्रेंज है ना बहुत ही अजीब बात है द रेसिडेंट्स ऑफ सी ब्लॉक जो सी ब्लॉक के सर रेसिडेंट्स है या मतलब ये जो पीपल है जहाँ प्रॉब्लम हुई है वो कहाँ के सी ब्लॉक के हैं वो ये सोचे वी सटनली अ शॉर्टेज ऑफ वाटर कि सटनली निश्चित ही क्या हमारे पास पानी की कमी है वेरियस वॉक्स मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टर डिनर कॉन्स्टिट्यूशनल्स अलॉन्ग विथ फेलो रेसिडेंट्स रिवील्ड एंड इवन रिवील्ड एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत सारी वॉक्स वेरियस वॉक्स मीन्स जो हम मॉर्निंग वॉक करते हैं इवनिंग वॉक करते हैं डिनर के बाद वॉक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स सेम थिंग वॉकिंग ओके जो ब्रिस्क वॉक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अलोंग विथ फेलो रेसिडेंट्स जो अपने आसपास साथ में जो फेलो रेसिडेंट्स थे उनके साथ ही वो रिवील किए रिवील किए मतलब उस बात को उजागर किए एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग जो फैक्ट था इट वॉजेंट द कॉलोनी एज अ होल और वो फैक्ट क्या था कि ये जो पूरी कॉलोनी थी उसे बस पानी की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी इट वॉजेंट इवन ऑल ऑफ सी ब्लॉक और ना ही पूरे के पूरे सी ब्लॉक को हो रहे थे विच थर्स्टेड मतलब जो प्यासे थे इन फैक्ट इट वॉज जस्ट आवर लेन की वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लेन थी पूरा का पूरा सी ब्लॉक में वाटर की प्रॉब्लम प्रौब्ल, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बल्कि फ्रॉम सी टू टू सी ट्वेल्व जस्ट इलेवन हाउसेस वर बी डिप्राइव्ड ऑफ वाटर केवल सी टू से लेकर सी ट्वेल्व तक के जो हाउसेस थे इलेवन हाउसेस उन्हें ही क्या हो रही थी वाटर की प्रॉब्लम हो रही थी डिप्राइव्ड मतलब उन्हें ही वाटर सप्लाई कमी हो रही थी वाटर नहीं मिल पा रहा था ओके सो व्हाट इज द रीज़न एक्चुअल में क्या रीज़न था जो ये सब प्रॉब्लम आ रही थी सो वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो ओके So thank you for watching.